कोई भी बातचीत नहीं करेगा? देखिए कर्ज और बात तो दूर की बात है, पाकिस्तान को ना कर्ज मिलता है ना भीख मिल रही है। जकात मिलती थी, मुख्य मुद्दा ये है, जकात भी बंद हो गया है, तो हालत टाइट है। और रही बात इंडिया आने की, तो वो कहीं घूमने उमने जा नहीं सकते हैं, बैन है पाकिस्तानियों को, जल्दी वीजा मिलता नहीं है, तो कुछ मजबूरी के कारण भारत में मौका मिला तो वो तो गोवा घूमने आए थे, वो यहाँ पे सीओ की मीटिंग और मुद्दे पे बात करने थोड़ी आए थे, वो तो यहाँ तरीके से आप ये समझिए कि गजनबी की तरह लूट करने आए थे कि हम उठा करके जो है पे बात आतंक की बात। तो ये धमकी है, ये लूट वाली धमकी है, जो इनको ये अपना पूर्वज मानते हैं, उन्हीं के ये वंशज हैं, और ये आज भी बदस्तूर इन्होंने अपनी लूट जारी रखी है, हिंसा के माध्यम से, अटैक के माध्यम से, आक्रमण के माध्यम से। और वो चेंज नहीं होती है, वो जेनेटिकली जो कैरेक्टर होता है, आपके साथ भले ही आप तोड़ दीजिए, भारत ने तोड़ दिए हैं, लेकिन फुफकार थोड़ी फोड़े, वो अपना फुफकारता है, कोई एससी का कोई डेवलप कोई पीस वगैरह का मुद्दा इंडिया आने का, इनका ये जो इनकी तफरीक करने की आदत है, और धमकी दे बात करने की भारत के ऊपर वाला, ये अभी और बर्बाद होंगे जी, और इस बर्बाद होंगे कि जहां से आए थे अफगानिस्तान से, जब तक ये उस हालत में नहीं पहुंच जाएंगे, अभी तक हिंदुस्तान की दौलत थी, हिंदुओं ने बनाया था पार्टीशन के टाइम पे, तो रोटियां चल रही थी, अब वहां अभी नहीं मिलेंगी, जो बीच में मिल रही थी रोटियां, वो भी रोटियों के लिए जो पैसा दिया गया था उससे हथियार खरीद लिए, उससे न जाने कितने जहरीले सांपों को पाल लिया, न जाने कितने ऐसे आतंकी संगठनों को पनाह दे दी, अब बचा क्या? आप उनको आतंकी संगठन मत बोलिए, मैंने बोला ये अपने आप को अपने पूर्वज कहाँ से बताते हैं, तो वो तो नहीं है लूट मार करने वालों की, वो खानदानी नस्ली काम है इनका, आज भी आतंकवाद क्या है, ये लूट मार का पूरा गैंग है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि आतंक मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्गाइज ऑफ यू कैन से टेररिस्ट कंट्री, एक देश के रूप में पूरे वहां पे आतंकवादी चोर लुटेरे पड़े हैं, उनका धंधा है, उनका पेशा है लूटना, वो देश को लूटेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है मिश्रा जी, वहां की जो आवाम है आज वो कह रही है कि भाई हमको कोई भी किसी भी तरह का ये नेता नहीं चाहिए, ये इतने टेढ़े लोग हैं, इन्हें सीधे करने के लिए हमें मोदी जैसा व्यक्ति चाहिए। वहां के आवाम को मारिए बोली, उनको मोदी जैसा, यही आवाम 70 साल तक आती रही जो है, हमारे खिलाफ नारे लगती रही, तो आम को भी सब नहीं करता हूँ, 70 साल दूर रोटियां जाती रही, तब तक इनको अकल ठिकाने नहीं आई, आज इनको मुक्ति चाहिए, कल को ये बोलेंगे हमें भारत की दौलत चाहिए, मोहब्बत है भारत की, इनको मोहब्बत हमेशा से भारत की दौलत से रही है, मैं आपको बात खुल के बताता हूँ। अब क्या, अब आपस में ही लूट मार, अब विदेशी देशों को तो लूट पा नहीं रहे, ना जकात मिल रही है, ना खैरात मिल रही है, ना लोन मिल रहा है, ना कर्जा मिल रहा है, अब एक दूसरे को ही लूट रहे हैं, मिलिट्री सरकार को लूट रही है, सरकार जनता को लूट रही है, जनता को जहां मिल रहा है वो आपस में ही लूट मिल रही है, तो बॉर्ड को टाइट रखिए, एक परिंदा भी इधर ना आने पाए, और उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, सेल्फ मोड में पाकिस्तान पहुंच गया है 2-4 साल में, वो भी एक नया अफगानिस्तान, भाई एक अफगानिस्तान शांत हुआ, दूसरा अफगानिस्तान तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो जो इन्होंने बोला था मदीना बनाएंगे, मक्का बनाएंगे, इस्लाम का परचम लहराएंगे, भजवा करेंगे, तो एक भक्ति तो होना ही चाहिए ना छिट्टे पे, मतलब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जहाँ ये सब एजेंडा चलता रहे, ये एजेंडा चला रहे हैं 70 सालों से, देखते हैं कितने साल और चलेंगे। डीके पांडे जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो डीके पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं आऊंगा डीके पांडे जी आप के पास, लेकिन एक टिप्पणी और मैं एके मिश्रा जी से लूंगा। एके मिश्रा जी, अब क्या और ऐसा हो सकता है कि बाकी जो भारत का कड़ा रुख, जो आपने विदेश मंत्री का रुख देखा कि भाई एक तरफ आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हो और दूसरी तरफ शांति बहाली की बात करते हो, ऐसा नहीं चल सकता, ये चीजें बाकी मुल्कों से भी इसी तरह की निगाहें, इसी तरह की आंखें और इसी तरह की दलीलें पाकिस्तान को कब तक उम्मीद की मिलेंगी? नहीं देखिए, ये बहुत है भारत का, मैं आपको बताऊं, हमारे साथ ये रुख
भाई प्रेम और प्रेम तो साथ चलेगा, लेकिन प्रेम और हिंसा कहाँ साथ चल पाएंगे, आप मुझे बताइए। प्रेम रहे और आप हिंसा करते रहे तो ये परंपरा भारत ने अब तोड़ दी है, और ये जो है एकदम सही एटीट्यूड है, सही अप्रोच है अपने देश का, अपने विदेश मंत्री का, अपने सरकार का। भाई आप डिसाइड कर लो, आपको हिंसा करना है कि आपको प्रेम करना है। अगर आपको करना है तो दो चार लड़ाइयां लड़नी है, चार छह लड़ाइयां और जी। अब होगी वो इंटरनल पाकिस्तान में ही और आपस में ही होगी। जब पेट पेट में रोटी बंद होता है तब समझ में आता है कि कौन कितना प्रिंसिपल लागू करते हैं अपने ऊपर, की जो ये बात है मोहब्बत की बात करते हैं, एक धर्म विशेष को लेके जो ये सारी पता चलेगा। ठीक है पांडे जी, क्या लगता है कि आज भारत कहां से कहां पहुंच गया है? एके मिश्रा जी, कभी कल्पना नहीं की थी कि जो भी नागरिक यहां से जाएगा विदेश में पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, वो इस तरह की कभी प्रतिक्रिया देगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि अमूमन यहां से जाने वाले लोग वहीं के निवासी हो जाते थे और ये माना जाता था कि भाई वो सभी लोग वहीं के निवासी हो गए और भारत आना नहीं चाहते। लेकिन आज मान सम्मान उनका इस कदर है विदेशों में, लोग कहते हैं कि मोदी जी की वजह से हमें इतना सम्मान मिल रहा है कि कभी कल्पना नहीं कर सकते, हमारे देश में इतना सम्मान नहीं मिलता जितना विदेशों में मिल रहा है आज, क्या है ये? देखिए बात में थोड़ा कटु बोलूंगा और मैं पहले भी मांग लूंगा भारतीय, अगर मैं भारतीय देश से तो मैं मेरा देश कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, सोने की चिड़िया हो, जो भी दिक्कतें हो हमें टिकी रहना चाहिए। ठीक है व्यापार वगैरह इन सब चीजों के लिए आप जाइए, लेकिन एक भारत को त्याग देना और जाके दूसरे देश की नागरिकता ले लेना, तो मैं बड़ी बाकी से बोलना चाहूंगा कि उन लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए कुछ लालच के कारण लिया था जी। जब प्रॉब्लम थी तब उन्होंने भारत की भूमि के साथ, अगर वो ये बोलते नहीं कुछ भी हो हम काम करने के लिए है, नौकरी के लिए है, लेकिन नागरिक तो हम अभी अपने देश के हैं। ये तो भारत की आवाम है, जो जनता है, जो खून पसीने की कमाई करके अपने प्रभुत्व को, अपने डंके को पूरी दुनिया में बजा रही है, और जो ये स्थिति चेंज हुई है तो अब वो अपने स्वार्थ के कारण, कल अगर भारत विश्वगुरु बन गया इकोनॉमी में इन सब चीजों में 5 साल के बाद, तो इन लोगों का एटीट्यूड क्या होगा, मैं बात बुरी जरूर लगेगी। ये वहां कहेंगे जी हम तो अमेरिका रिटर्न है तो हमें सबसे बढ़िया नौकरी चाहिए। तुम अपने देश में दुख के समय पे तुमने यहाँ की नागरिकता छोड़ दी। ठीक है हमें अभी भी आपके साथ प्रेम है, आपका रिस्पेक्ट है, आपका स्वागत है, सारी चीजें हैं, आप वापस आइए आपका स्वागत है, लेकिन पहला अधिकार सच्चा देशवासी। लेकिन इसको अगर पाकिस्तान से कनेक्ट करके देखा जाए सर, इसको अगर पाकिस्तान से कनेक्ट करके देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये डूब मरने वाली स्थिति। पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान के लिए डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी की भी जरूरत नहीं है। बेशर्म लोग भी नहीं डूबते हैं, वो चिकने घटे की तरह होते हैं, चाहे उनको समुंदर में डाल दीजिए, नदी में या नाले में। तो आप ये वो पाकिस्तान शर्म करेगा, पश्चाताप करेगा, ये करेगा, मैंने आपको बताया ये उनकी जिनसी प्रॉब्लम है, नस्ली की प्रॉब्लम है, अभी नहीं हजारों साल से ये उनके तरह। किसी भी स्थिति में आप ये देखिए 1985 उसके पहले तक पाकिस्तान का रूप भारत से ज्यादा मजबूत था, और जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा मजबूत थी, पाकिस्तान में विदेशी कार्य लग्जरियस लाइफ ज्यादा होती थी, वो तब भी नहीं रहे पाकिस्तान के ऊपर। जैसे अभी कई लोग बोल रहे थे भाई मदद करनी चाहिए, भारत तैयार है मदद के लिए, मैं तो बोलता हूँ एक खोटे सिक्के की भी मदद पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए, न केवल विदेश मंत्री ने तो साफ कर दिया है, उन्होंने जो स्थिति